देखिए, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले सब लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं भेंट करता हूं दीपावली की। आज 2 वर्षों के बाद खुल करके दिल्ली शहर के अंदर, हमारे क्षेत्र के अंदर, हमारे ज़िले के अंदर, एक प्रदेश के अंदर एक दीपावली का उत्साह बड़े हर्षपूर्वक मनाया जा रहा है। जगह जगह सम्मेलन किए जा रहे हैं, लोग एक दूसरे से मिल पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बड़े अच्छी तरीके का अच्छे संकेत हैं कि अब हम लोग बाहर निकल के एक जो नॉर्मल ज़िंदगी है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और सारे पर्वों को अच्छी तरीके से मनाने का प्रयास जो था वो अब साकार होता हुआ नज़र आ रहा है। सर, जैसे सूत्रों के अनुसार पता चला कि आकाश अत्री जी भी द्वारका ए से MCD चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और अब सीट भी जनरल होगी, तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये तो पार्टी का नेतृत्व का जो भी फैसला आएगा उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का हर कोई कार्यकर्ता तैयार है अपने आप को, और क्योंकि ये जिम्मेदारी जो भी जिसको भी दी जाएगी, हम लोगों का एक ही प्रयास रहेगा कि प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सारी सीटों पर विजय घोषित हो और एक मजबूत और अच्छी MCD दिल्ली प्रदेश को मिले। जो विकास के काम रुके हुए हैं कई जगहों पे, वो अच्छी तरीके से हो सके और जहाँ जहाँ और विकास की ज़रूरत है उसके लिए निश्चित प्रयास किए जाएंगे। तो अभी जैसे कि आपने देखा है कि चुनाव का गुजरात में, हिमाचल में, हर जगह भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होने जा ही रही है, उसी के साथ साथ मैं पूरा आश्वासित हूँ इस चीज़ से कि जिसको भी टिकट मिलेगी, जहाँ से भी मिलेगी, पूरे दिल्ली प्रदेश के अंदर MCD इस बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ अपना ध्वज फहराएगी। आकाश अत्री की कितनी तैयारी है? देखिए, जैसे मैंने आपसे बोला कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता अपने आप में सक्षम और तैयार है, और अगर मेरी तैयारी की बात करें तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक परिवार है। वो जिस भी अपने कार्यकर्ता को निर्देश देगा कि जनता की सेवा के लिए उसको आगे बढ़ करके ये जिम्मेदारी उठानी है, वो निश्चित तौर से तैयार है उठाने के लिए और जनता की सेवा के लिए।